जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हम हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं, लेकिन यही वो पल भी होते हैं जब हमें खुद को पुश करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसा ही कुछ आपको अभिषेक बच्चन और सयामी खेर की नई फिल्म घूमर से सीखने को मिलता है। प्रेरणा और लगन की कहानी से भरपूर इस फिल्म को देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। क्या है फिल्म की कहानी? ये कहानी है अनीनी नाम की वुमन क्रिकेटर की, जो इंडियन टीम में खेलना चाहती है, सेलेक्ट भी हो जाती है, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसका एक हाथ कट जाता है, तो अब वो बैटिंग नहीं कर सकती। फिर इंडियन टीम में वो कैसे खेलेगी? ऐसे में कभी टेस्ट क्रिकेट खेल चुके पदम सिंह सोढ़ी उसकी जिंदगी में आते हैं और उसे बताते हैं कि क्रिकेट का मतलब सिर्फ बैटिंग नहीं होता, बॉलिंग भी है, और वो एक हाथ से भी बॉलिंग कर सकती है। इसके बाद उसकी ट्रेनिंग होती है और वो फिर आगे क्या होता है ये आप समझ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से होता है वो काबिले तारीफ है। कैसी है फिल्म घूमर? ट्रेलर से ही पता चल गया था कि फिल्म की कहानी क्या होगी, लेकिन इसे जिस तरह से दिखाया गया है मजा आ जाता है। पहला हाफ सीन छोटा है और पहले हाफ में कहानी को बिल्ड किया गया है। यहाँ आपको लगता है कि फिल्म मुद्दे पर आने में वक्त लग रही है, लेकिन फिर बाद में ये एहसास हो जाता है कि ये जरूरी था। उसके बाद के सेकंड हाफ में अभिषेक के सयामी को ट्रेन करने से सीन क्रिकेट मैच के सीन दिखते हैं। वही अमिताभ की कमेंट्री, सब कुछ जबरदस्त है। आप इस फिल्म के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे आप खुद अनीनी के ट्रेनर हैं, और आप एक सीख लेकर थिएटर से बाहर आते हैं कि जिंदगी में कुछ भी किया जा सकता है।